मंटो साहब आप आ गए। फिल्म देखने क्यों नहीं आए? अगर यहां भी नहीं आते ना तो मैं तुमको घर से उठा के खुद ले आता। ये बताओ तुम कैसे हो? कैसा लग रहा हूं? और मेरा बंबई ठीक ही होगा? मैं तो हफ्ते भर से अमृतसर में था। कितनी अजीब बात है ना, घंटे भर की दूरी और एक पूरा अलग मुल्क। अरे नहीं नहीं भाई रुको, अच्छा बताओ खतों का जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है इस्मत नाराज, दादा मुनि परेशान और मैं रूठा हुआ हूं तुमसे। लिखने के लिए कुछ दे रहा है शाम। अरे तो फिर आ जाओ वापस, बंबई बाहें फैला के तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हिप टल्ला टल्ला। क्या हुआ, तुम फिल्में नहीं कर रहे? मैं तहसीन पिक्चर्स के मालिक को जानता हूँ, बात करूँ क्या? कोशिश की थी, की थी कोशिश। अरे श्याम साहब जरा हमसे भी मुखातिब हो जाइए। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी माशूका लाहौर के आगोश में फिर वापस आया हूं। भाई इसी की सड़कों पर तो हमने मोहब्बत करना सीखा। अरे वाह। अरे श्याम साहब शराब के साथ शबाब का होना बहुत जरूरी है। जाएंगे जाएंगे, जल्दी क्या है। अरे अरे भाई ये क्या घटिया चीज पी रहे हो, ये तो सरकारी क्लर्कों के लिए है, तुम जैसे राइटर के लिए। ये आपके लिए। अरे रख लो यार। फाइनल सुनवाई कब है? इसी साल या अगले या उसके अगले या उसके उसके अगले। चलो उठो, अब लाहौर आपका शहर है, चलो चलो। नहीं वो सभी बच्चियों के साथ अकेले घर पे होगी तो। नहीं नहीं अरे हिप टल्ला मत यार, रख लो। नहीं चलिए चलिए श्याम भाई अब चल भी लीजिए, प्लीज राबती मत कीजिए। अरे अब तो मुजरे भी खत्म हो जाएंगे। चलिए उठे उठे चलिए, तुम कहीं जाना मत, मैं बस यूं गया और यूं आया, यहीं बैठे रहना। बेहतर होता कि फैज मेरे अफसाने को फौश कहते, ना कि ये कि मेरा अफसाना लिटरेचर के पैमाने पर पूरा नहीं उतरता। अच्छा ठीक है तू। आप अब तक उसी बात को लिए बैठे हैं? मुझे लग जाएगी। मैं तो ये सोच के मरी जा रही हूँ कि जज क्या फैसला देंगे। अब्बा जी देखो मेरा सांप कैसे हो गया। अरे अभी ठीक कर देते हैं। ये पूछ सीधी करनी है ना, ये वही बस ठीक है। अब्बा जी आपके मुंह से कितनी बू आ रही है।
मुझे मेरा सब ठीक हो गया। ये बात है। मैं मजबूर हूँ सफिया, न गुले नगमा हूँ न पर्दा एहसास, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज। गालिब सुनाने से मसले हल नहीं होते हैं साहब, आप ऐसे ही पीते और लिखते रहे तो हम कहीं। लेकिन इन्हीं से तो मैं जिंदा हूँ। और उनका क्या जो जिंदा है और आपकी जिंदगी में भी? सारी हमदर्दी सिर्फ अपने किरदारों के लिए बचा रखी है। आखिर में अफसाने ही रह जाते हैं और उनके किरदार। मुझे सिर्फ वो इंसान चाहिए जिससे मैंने शादी की। लेकिन मैं पहले भी पीता था और ये बात मैंने तुम्हारे अब्बा को पहली मुलाकात में बताई थी। पीते थे लेकिन ऐसे नहीं, अब तो ना सुबह का पता है ना शाम का। ये क्या हुआ? छोड़िए, जिसे अपनी खबर नहीं वो अपनों का क्या ख्याल रखेंगे। तुम्हें मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो छोड़ दो मुझे। चाहते हैं तो ठीक है, मुकदमे के बाद चली जाऊंगी। धक्का दो ना। मैं ये कबूल करता हूं कि ठंडा गोश्त मेरे ही हाथों का लिखा अफसाना है, मगर ये किसी भी नुक्ते नजर से फाश नहीं है। मेरा अफसाना आपको पसंद आए या ना आए इसका फैसला आप कर लें। मेरा अफसाना किसी पाए का है या नहीं इस पर बहस लिटरी क्रिटिक्स कर लें, लेकिन मेरा अफसाना अदब है और अदब हरगिज हरगिज फहश नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर साहब ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वर सिंह की जबान गालियों से भरी है। हजारों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मैंने उसके मुंह से कहने हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि यार आप तो बड़े जब चूतिए हो, मैं आऊं और आप मुझे मार ढूंढ रहे हो, या ये कि मैं तो समझता था कि जज साला बुरा आदमी है तो क्या मैं इनको गाली दे रहा हूं? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। मैं वही लिखता हूं जो जानता हूं जो देखता हूं। हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बना देगा? ईश्वर सिंह की जबान गंदी सही, अफसाने का मौजू घिनौना सही, लेकिन अफसाना पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि हैवानियत में भी ईश्वर सिंह के अंदर की इंसानियत खत्म नहीं हुई, और ना ही इसे लिखने वाला सादत हसन मंटो इंसानियत से मायूस है। इस बात को समझने के बजाय इस पर मुकदमा चलाने को मैं एक मजाक समझता हूँ।